लड़ाई ये आपसी वैसे कोई जुटबाजी नहीं है, ना उनकी हमारी से कोई लाग डंडे, ना उनसे हमारी कोई लाग डंडे। सातवें पे कमीशन की बात थी, वो मुलाजमों की सैलरी के साथ लग गया, मुलाजम खुश हैं। नी साहब को लिखकर हमने दिया है नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए भी जल्द मुलाजमों को पक्का किया जाए, मगर हड़ताल को अहमियत देकर शहर को खराब कर हम नहीं कराना चाहते। जोड़ा साडा साझा मोर्चा आवाज़ मुलाजमान की सत यूनियन साढ़े नाल है, असी अज कोई हड़ताल नहीं की, ना ये करा। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत में, आपका दोस्त अमर शुक्ला। आज हम पहुंचे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप नगर निगम। सबसे बड़ी बात आज आ रहे हैं सीएम चन्नी अमृतसर और हो गई है हड़ताल। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है और डेंगू भी अभी है, लेकिन हड़ताल हो गई है। साफ सफाई व्यवस्था ठप कर दी है गुट ने, लेकिन ये दूसरा गुट है और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप नगर निगम ये हड़ताल पर नहीं है, ये कामकाज पे हैं। हड़ताल क्यों हुई या किसने की ये भी हम जानेंगे। बिट्टा ग्रुप ने हड़ताल कर दी है, लेकिन ये जो है ऑटोमोबाइल वर्कशॉप यहाँ पर हड़ताल नहीं। हमारे साथ चेयरमैन है। चेयरमैन साहब, एक पक्ष हड़ताल करता है दूसरा नहीं करता, वजह क्या है? देखो जी, वजह तो कोई नहीं हैगी, सिर्फ विचार ही नहीं साडे रलदे उन्हां नाल। जदों मानयोग साडे सीएम साहब ने ऐलान कर दिता भी पे कमीशन सानू लागू कर दी है, नाल दे नाल सोनी साहब ने भी लागू कर दी। अज 10-10 हज़ार रुपया तनखाह साडी वध गई है। नाल दे चन्नी साहब ने कहा भी तुहाडे जिहड़े कच्चे बंदे जिहड़े काम करते सीवरमैन सफाई सेवक अपने स्टील लाइट वाले ला लो जी, 46 बंदे जिहड़े भी उन्होंने भर्ती करन तां फिर अज तुहानूं पता वा कि महाकाल चलन दा तीसरी लहर आ गई है। अहीं चाहुंदे आ सफाई करनी, साडी कोई हड़ताल नहीं हैगी। तो नेतागिरी चमकाने के लिए हड़ताल हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल, नेतागिरी चलाने जदों वेखो पे कमीशन लग गई आ, जब कोई मांगे नहीं है, सब मांगे पूरी हो गई है, तो फिर हड़ताल का तो मुद्दा बनता ही नहीं है। हड़ताल का मुद्दा नहीं बनता। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं आशुन आरुण की टीम है, और सबसे बड़ी बात कि सफाई सेवक यूनियन की सबसे बड़ी टीम हमारे साथ है। और आशुन आहर जी, ये बताइएगा नेतागिरी चमकाने के लिए हड़ताल करनी जनता को कितना संदेश जाएगा, कैसा संदेश जाएगा? देखिए, हमारी किसी से लाग डांट तो है नहीं, बस विचारों की लड़ाई ये आपसी वैसे कोई जुटबाजी नहीं है, ना उनकी हमारी से कोई लाग डंडे, ना उनसे हमारी कोई लाग डंडे। हमारी कोई विवाद नहीं है और कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ ये है भी जब पूरा पंजाब में कॉल थी भी हड़ताल होगी, पूरे पंजाब बंद था, तो तब अमृतसर बंद क्यों नहीं किया गया? पूरे मुलाजम सड़कों पर अपने हक लेने के लिए उतरे थे, तो हमारे लीडरों ने अमृतसर बंद नहीं किया था। आज लीडरों ने बंद किया है अमृतसर और मुलाजमों ने नहीं किया। नेतागिरी चमकाने के लिए एक ग्रुप बिट्टा ग्रुप जो है हड़ताल पे चला गया है, अभी तो सब साथी रहे हैं, लेकिन ऑटो रक्षा हड़ताल पे नहीं है। और आप प्रशासन और यहाँ के जितने भी आश्वासन मिले हैं उस पर आप कायम हैं? देखिए, हम किसी के ग्रुप के ऊपर टिप्पणी तो करना नहीं चाहता मैं। हम ये जानते भी आज हमारा जो साझा आवाज़ मुलाजम की साझा फ्रंट बना था जो, वो आज का 7 जत्थेबंदियों को लेकर सुबह से ही सड़कों पर उतरा है। हमारे पास भी रश है, हम भी कम से कम 2,000-3,000 आदमी इकट्ठा कर सकते हैं। मेरी माताएं, मेरी बहनें, हमारे पास भी है, हम भी जलसा कर सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं, ऊंचा पुल बंद कर सकते हैं, मगर बात ये है, हक की बात है। सातवें पे कमीशन की बात थी, वो मुलाजमों की सैलरी के साथ लग गया, मुलाजम खुश हैं, मुलाजम अपनी अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। बस बात ये यहाँ पर अड़ी है भी जो कच्चे मुलाजम वो पक्के, वो हमारी भी मांगे भी कच्चे मुलाजम पक्के करने चाहिए, चाहे वो सीवरमैन हो, चाहे स्टील लाइट वाले हो, चाहे वो स्प्रे मैन हो, चाहे वो सफाई सेवक हो। वो सरकार को हमने भी लिखकर दिया हुआ है, मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन मुख्यमंत्री चन्नी साहब को लिखकर हमने दिया है नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए भी जल्द मुलाजमों को पक्का किया जाए, मगर हड़ताल को अहमियत देकर शहर को खराब कर हम नहीं कराना चाहते। बिल्कुल सही बात है, नेतागिरी चमकाने के लिए हम आपको पूरे शहर को सबसे शहरों में से एक है, 10 सुंदरों में, तो यहाँ पे हड़ताल नहीं करनी चाहिए आपका मानना, लेकिन मुलाजमों के हक के लिए हड़ताल होनी चाहिए। आप लोग करते रहे लेकिन आज तो कोई मांग ही नहीं है, तो फिर हड़ताल क्यों? इसीलिए नहीं हड़ताल की, हमने काम कर रहे हैं, सड़कों पर हैं हम सुबह से। जब मांग ही कोई नहीं तो हड़ताल क्यों? लेकिन एक उठ हड़ताल करके बैठा है, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, और ये देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं लाइव भारत पर। और साझा मोर्चा, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, कुछ कहना चाहेंगे आज के हड़ताल के बारे में? मैं अमरजीत पेड़ा, प्रधान सेंट्रल सुपरवाइजर यूनियन नगर निगम अमृतसर जी। ये जड़ी हड़ताल है ये बेबुनियाद आ, बेबुनियाद हड़ताल आ। जदों सरकार ने प्रशासन ने साडियां सारियां मंगां मान लियां, पे
छेवें पे कमीशन की रिपोर्ट जी उन्होंने लागू करती है। अज हर मुलाजम का 8-8 10 हज़ार रुपया वध्या आ साडी जी अपना 10 हज़ार तो 20 हज़ार रुपया मतलब कि उन्होंने करती है। हाँ जी कुल मिला के आप ये कहते हैं कि आपकी सभी मांगे मानी जा चुकी है, हड़ताल किस लिए यही कह रहे हैं ना आप? हड़ताल तो मैंने तो पहले बोला बेवजह हड़ताल है, बेवजह हड़ताल है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? बेवजह हड़ताल बिल्कुल बिल्कुल बेवजह है। ये सभी मुलाजमों का सभी का अधिकार मिल रहा है, चाहे वो चन्नी साहब हों, चाहे डिप्टी CM सोनी साहब हों, चाहे कमिश्नर साहब हों, चाहे मेयर साहब हों। आज जो भी हालात अपना नगर निगम अमृतसर के वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशहाल हैं। तो एक मुलाजमों को कच्चे होने का पक्का जो बनता है वो तो सरकार कर ही रही है। एक नवा रूप लेके दूसरी पार्टी कोई भी हो वो एक नवा रूप लेकर गुमराह कर रही है मुलाजमों को, मुलाजमों को गुमराह किया जा रहा है। और एक ग्रुप ने हड़ताल की है और हड़ताल के बिट्टा ग्रुप ने, लेकिन जो साझा संघर्ष बना है, 7 दलों का एक दल बना है साझा संघर्ष, वो हड़ताल पर नहीं है। चेयरमैन साहब ये बात सही है ना? बिल्कुल बात ये सही है। जोड़ा साडा साझा मोर्चा आवाज़ मुलाजमान की 7 यूनियन साढ़े नाल है, असी अज कोई हड़ताल नहीं की ना ही करांगे। बिल्कुल सही बात है। तो हड़ताल हम नहीं करेंगे, हम खुश हैं सरकार से, हम खुश हैं नगर निगम से। ये कहना है साझा मोर्चा, 7 दलों का ये साझा मोर्चा। और ये थी स्पेशल रिपोर्ट गुरमीत सिंह राजा के साथ, सफर शुरू। जय जय भारत।